प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बहन का नाम अमन है और ये अमृतसर वल्ला गांव के रहने वाली हैं और इनके जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। ये सिस्टर बुधवार की मीटिंग में आए और इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, और जब खुदा के दास दुखियों बीमारों के लिए प्रेयर कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि जिनके भी कोई प्रॉब्लम है वो आगे आ सकते हैं। और ये सिस्टर जैसे ही आगे गए और इनके ऊपर खुदा के दास के द्वारा ले हैंड प्रेयर की गई, और ले हैंड प्रेयर होने के बाद भी ये सिस्टर चंगे नहीं हुए। और आओ हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये सिस्टर ले हैंड प्रार्थना होने के बाद भी क्यों नहीं चंगे हो पाए। मेरे वालों सारे जैमसी दी, मेरा नाम अमन आ, मैं पिंड वल्ला दे रहन वाली हाँ। मेरे जीवन की बहुत वड्डी गवाही आ। पिछले कुछ दिनों की गल आ कि मैनू इस तरह ही मेरी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई, कि इदा ही कि मतलब मैनू बुखार भी डेली चढ़ना शुरू हो गया, ते उहदे कारण मतलब मेरे पेट च भी दर्द बहुत ज़्यादा रहन लग पी, कि जो मेरे बर्दाश्त तो भी बाहर सीगी। फिर मैं इस तरह ही मेडिसन भी लई, उहदे नाल भी आराम नहीं आ रहा सी। फिर मैं बुधवार की संगति नूं अटेंड किया, मीटिंग दे विच गई, और उस दिन फिर प्रभु दे दास ही जो प्रार्थना कर रहे सी, और उन्होंने बोलिया जिन्हां नूं दुखियां बीमारां लई प्रार्थना कर रही, उन्होंने बोलिया कि किसी नूं भी कोई प्रॉब्लम है तो वो अगे आ सकदा वा। और जदों मैं अगे गई और उन्हां दे द्वारा मेरे ते ले हैंड हुई, तरह से चलो खड़ जा, चल इश्क नाम से आउट, निकल निकल इसकी बॉडी से तर, चल राइट नाउ, इसी समय चल 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 चल, शॉर्ट शट फ्री द नेम ऑफ जीसस, बिहेव 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 बिहेव, चल चल पूरी तरह से, चल 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 दर राइट नाउ, चल उखड़ उखड़ ईश के नाम से, चल आउट उखड़ इसी समय, चल आस फ्री। और मेरे दर्द इतने ज्यादा ही कि बर्दाश्त तो बाहर सी, और जिस कारण मेरे ते ले हैंड भी प्रभु दे दास दे द्वारा प्रेयर हुई, और मैं विश्वास नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ च सी, दर्द इन्नी ज़्यादा ही मेरे बर्दाश्त तो बाहर सी। मैं इस तरह विश्वास नहीं कर पाई कि जो प्रभु दे दास दे द्वारा मेरे ते प्रेयर हुई आ, और परमेश्वर तुसी मैनू चंगा कर चुके हो। इस तरह मैं विश्वास नहीं कर पाई, और वो घर आण के भी मेरे दर्द और रोज़ रोज़ हुंदी रही। फिर इस तो बाद मैं डॉक्टर दे कोल गई और उन्होंने गल की, और उन्होंने मैनू कहा कि जिवें दी तुसीं प्रॉब्लम दस रहे हो, अपनी तकलीफ दस रहे हो, ये डेंगू दे भी लक्षण हो सकते आ, जिवें पेट च इन्फेक्शन भी आ और तुहानू डेली बुखार भी रहिंदा वा। और सब तो पहला तुसीं अपने टेस्ट करवाओ और उस तो बाद तुहाडा ट्रीटमेंट शुरू करांगे। फिर उस तो बाद प्रभु दे दास नाल मेरी गल हुई, उन्होंने मैनू बाइबल दे विच्चों सिखाया, वचना दे नाल उत्साहित किया। फिर जो बुधवार दे दिन मेरे ते ले हैंड प्रार्थना हुई, उस समय मैं चंगी क्यों नहीं हो पाई, खुदा दे दास ने मैनू उस गल दा कारण भी दस्या। जो कुछ भी प्रभु दे दास ने मैनू सिखाया और मैं विश्वास किया, मैं बोलिया कि प्रभु जो भी मेरी जिंदगी च कमियां सी तुसी उन्हां नू दूर करके मैनू चंगा कर चुके हो। फिर उस तो बाद प्रभु दे दास ने मैनू कहा कि संडे नू तुसी जरूर आना और परमेश्वर तुहानू छूएगा और तुसी बहुत वधिया हो जाओगे। सचमुच जिवें मैं संडे दी मीटिंग नू अटेंड किया और वर्शिप तो बाद गवाइयां हुईयां, इन्हां विचों एक गवाई सी जो सिस्टर मोगे तो सी, उन्हां दे भी पेट दी प्रॉब्लम सी काफी लंबे समय तो, दवाई भी खाधी उन्होंने बहुत सारी और उन्होंने आराम नहीं आया। और वो सिस्टर 7 साल तो प्रॉब्लम दे विच सी, और जिवें मैं उन्हां दी पूरी गवाही नू सुनिया और मैं प्रभु नू बोलिया, प्रभु तुसी उहदी 7 साल दी प्रॉब्लम नू तुसी चंगा कर सकदे जो, तो परमेश्वर अज तुसी मैनू भी इसे घड़ी छू के चंगा कर चुके हो। जिवें मैं बोलिया परमेश्वर दे आत्मा ने मैनू छूया
और मैं उसे वाले चंगी हो गई। और आज मैनू 5-6 दिन हो गए आ, मैं कोई मेडिसिन नहीं खादी, मेरे कोई दर्द नहीं आ, कोई बुखार नहीं आ, मैं बहुत वधिया आ। और इस वड्डी गवाही दे लई मैं परमेश्वर दा दिल तो धन्नवाद करदी आ, और प्रभु दे दास दा भी बहुत सारा धन्नवाद करदी, और RR मिनिस्ट्री दा भी बहुत सारा धन्नवाद करदी, और मेरे वल्लों सारे NGMC दी। और जैसा कि आपने इस गवाही में देखा कि ये बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना आने के बाद भी ये अच्छे नहीं हुए, लेकिन जैसे ही इन्होंने उस कारण को समझा तो खुदा ने इनको श्योर बिल्कुल अच्छा कर दिया। और हो सकता है आप में से भी बहुत से ऐसे भाई बहन हो जिनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना तो हुई है लेकिन अब तक भी वो बड़े दुखों में हैं। तो अगर आप भी उस कारण को अच्छे से समझना चाहते हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हो, और हमारी आशा है कि परमेश्वर आपके जीवन में उन बड़े कार्यों को कर चुके हैं। आमेन।